अपने जो एक्ट के ऊपर ही है ना, जो अभी इन्होंने जो कल्ट किया है एक्चुअली, अब तो हमें सामाजिक संगठन विदाउट पॉलिटिकल है ना मान्यवर हमें करना पड़ेगा ही है ना। ये उत्पीड़न का आप ये समझ लीजिए हमें खत्म करने का प्रयास शुरू हो गया। ये बहुजन समाज पार्टी या एसपी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब करके एक सामाजिक संगठन बना लीजिए और मेहरबानी करके ये जो जाति 6000 कास्टिज्म में हम बटे हुए हैं किसी तरह एक आरे की जैसी भी हो सकता है उसको वो करे, माले कोई खटीक है वो चमार को वो करे, चमार है जाटा वो करे, जाटा धोबी को करे, आपस में इस तरह से मिलके एक दूसरे को क्रिटिसाइज के बजाय एक दूसरे के जो प्लस पॉइंट्स है उनको प्लीज आप आगे लाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी जितने भी हजरा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सबसे पहले संगठन तो हमारा बनता ही रहेगा, हम खुद से स्वयं हर जगह अपना एक बोर्ड लगा दे, आज से ही हम शेड्यूल कास्ट हैं और ये जो एक्ट हमारे खिलाफ लगाया गया है इसका हम विरोध करते हैं। और मैं अभी मेरा दुर्गे मार्बल और ग्रेनाइट है एक अनंता मार्बल है लोनी रोड पे, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, सिर्फ मेरी दुकान सील की गई है क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट हूं और मैं जो उच्च वर्ग के जो बनिए हैं उनसे ज्यादा बिजनेस कर रहा हूं और मुझे एक डेढ़ महीना हो गया है। अगर मेरी दूसरा प्रीमियम ना होता अनंता मार्बल तो डेढ़ महीने हम बेरोजगार हो गए थे सारे बच्चे, तो ये हमारे ऊपर चल रहा है। तो खैर मैं इस बात के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस बात के लिए आया हूँ कि जो कोर्ट का जो आदेश आया है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अभी ये कहकर करें कि भाई एससी एसटी बाहर आ गए ठीक है, उसके बाद इसको माने है ना कि भाई हमने आपका ये भला कर दिया, ये पॉलिटिक्स है ठीक है ना, उसमें किसी भी तरह से हमें नहीं आना है और हमें तोड़ा भी जाए है ना। अरे आप डॉक्टर सो, आप इंजीनियर सो, आप कहां रखने में आ रहे हो है ना, आपको तो हम ऐसी मानते ही नहीं है, इस तरह की बातें कही जाएगी। आपको मान लिया फलानी खटी कास्ट के हो, आप तो चमारों से ऊपर हो या वाल्मीकि हो है ना, आपका तो सफाई वफाई में काम मिल जाता है, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होंगी। तो मेरा आपसे सभी निवेदन है, मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है लेकिन मेरा सभी अनुरोध है इस हॉल के अंदर जितने भी पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे पैरामेडिकल मेडिकल्स या जो भी लोग बैठे हुए हैं वो प्लीज कृपा करके तन मन धन से एक साथ किसी भी तरह। थैंक यू।